अपने यहाँ में मुख्य सेवा केंद्र सुप्रतिष्ठित देश विदेश में सुप्रतिष्ठित ऐसा विरायतन परिसर आचार्य चंद्रा जी की प्रेरणा से और उनके प्रबल पुरुषार्थ से एक तरह से पूरा जीवन उनका विरायतन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज को, देश को, राष्ट्र को, मानव समाज को समर्पित है। ऐसे आचार्य चंद्रा जी की प्रेरणा से जो विरायतन परिसर निर्मित हो रहा है उसी में पार्श्वनाथ परमात्मा का शिखर पर भक्त जिन मंदिर जो बन रहा है उसकी प्रतिष्ठा का अवसर कल उपस्थित होने वाला है। आज उसी प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में नवलखा मंदिर से विरायतन के लिए यह भरघोड़ा ये शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। आप सभी इस शोभा यात्रा से जुड़े, शोभा यात्रा के दर्शन करें और पार्श्वनाथ परमात्मा का नाम स्मरण करके अपने जीवन का कल्याण करें। परमात्मा ने वर्षीदान का ऐतिहासिक यशस्वी बनगोड़ा देकर वर्षीदान देते हुए परमात्मा यहाँ पे संयम के लिए पधारे हैं। आचार्य भगवान जी मणिप्रभ सागर श्री महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए लोक में आनंद 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 छा गया था। जब तुम्हारी शादी हुई पूरे नगर में पूरे राज घराने में आनंद आनंद अपार आनंद हुआ था सबको। लेकिन मैं ये क्या सुन रही हूँ बेटा, क्या सचमुच हम सबको छोड़कर जा रहे हो? नहीं नहीं, इतने सुंदर इतने पवित्र पावन ये सब तुम्हारे आज्ञा का पालन करने वाले ये नगरजन और परिवार के ये सब स्नेही प्रियजन इस सबको छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? नहीं नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि तुम्हें ये दीक्षा लेने का इस संयम के मार्ग पर जाने का विचार भी कैसे आया? परमो धर्म की जैन धर्म की भगवान पार्श्वनाथ का क्या संदेश?